नमस्कार, मेरा नाम सौरभ नीलेश। आप सुन रहे हैं करो योग रहो निरोग, रेडियो खांची पर 90.4 FM, हम सबका रेडियो। आज के हम इस करो योग रहो निरोग के इस सत्र में जिस वक्तव्य पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिन बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं, वह है बच्चों में एकाग्रता कैसे बढ़ाएं, योग के जरिए बच्चों में कैसे एकाग्रता बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, बच्चों को 8 वर्ष की उम्र तक किसी अतिरिक्त अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनका खेल कूद और डेली रूटीन ही उनके लिए काफ़ी है, बशर्ते आपके बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम्स में ना जुड़े हों। 8 वर्ष की उम्र की आयु तक उनको खेलने दे खुला में, जितना खेलेंगे मिट्टी में उतनी उनकी शरीर की तंदुरुस्ती, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। 8 वर्ष की उम्र के बाद अगर बच्चे में एकाग्रता की कमी होती है किसी भी कारणवश, तो योग में आप कुछ ऐसे आसन हैं और प्राणायाम हैं जिनका आप निश्चित रूप से बच्चों को अभ्यास कराएं, वो उनके एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करेगा। बच्चों के अंदर जो असीम ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को एक निश्चित दिशा में लगाने में मदद करेगा। तो योग में कुछ ऐसे आसन हैं जिनका अभ्यास प्रतिदिन के अभ्यास के साथ इनका भी अभ्यास करना चाहिए, इन आसनों का भी प्रतिदिन जो भी अभ्यास खेलकूद बच्चे करते हैं, इसके अलावा इन कुछ आसनों के अभ्यासों को भी आप ज़रूर जोड़ें। जो माता पिता हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो ज़रूर इनको जोड़ें। सर्वप्रथम योगासनों में आप बच्चों को ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन का अभ्यास कराएं, उसके बाद वृक्षासन का अभ्यास कराएं और किसी कुशल योग शिक्षक के सानिध्य में आप उनको शीर्षासन का भी अभ्यास करा सकते हैं। इन योगासनों का अभ्यास आपके बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ आप बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम करना सिखाएं, साथ ही साथ उनको भस्त्रिका करना भी ज़रूर सिखाएं। भस्त्रिका का अभ्यास बच्चे करेंगे तो उनका चयापचय स्वस्थ रहेगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, उनका पाचन भी अच्छा रहेगा, भूख भी अच्छी लगेगी। भ्रामरी और उज्जयी का अभ्यास करेंगे बच्चे तो उनमें एकाग्रता बढ़ेगी, चंचलता में थोड़ी सी कमी आएगी और एकाग्रता बढ़ेगी, शालीनता बढ़ेगी। इन योगा अभ्यासों को कराएं, यकीनन बच्चों में एकाग्रता बढ़ेगी। और बच्चों को अवश्य खेलने दें, मिट्टी में खेलने दें, ज़मीन पर खेलने दें उन्हें। आप केवल उन पर निगरानी रखें कि वो कुछ अपने शरीर को क्षति ना पहुंचा लें, अन्यथा उनको ज़रूर खेलने दें। खेलने कूदने से ही बच्चों के शरीर में ताकत आती है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इन योगाभ्यासों को आप अपने बच्चों के डेली रूटीन में शामिल करें और यकीनन आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आज के इस सत्र को सुनने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो।